अच्छा फैसल, आपके साथ में आलोक कहाँ है? दीदी, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो आलोक ने जो है सड़क दौड़ के पार करना चाहिए। दौड़ के सड़क पार की? जी दीदी, इसीलिए वो गिर गया और उसके बहुत चोट आ गई। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। जी जी सड़क दौड़ के तो पार नहीं करना चाहिए। नहीं, उसने गलत किया ना। हाँ, गलत। इसके मतलब उसने यातायात नियमों का पालन नहीं किया। ये क्या होते हैं यातायात नियम दीदी? आपको नहीं पता? नहीं। आपको पता है? नहीं दीदी। ठीक है, यातायात नियमों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सफेद पट्टियां हैं, इन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इनका बहुत महत्व होता है। पैदल चलने वालों को हमेशा इन्हीं पर सड़क पार करना चाहिए। ये तो बात आपकी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सड़क गलत जगह से या दौड़कर पार करने से दुर्घटना भी हो सकती है। इसी तरह से आप ये बताइए, एक मेरे पास ये चिन्ह है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? आप बताइए। नहीं। इस चिन्ह का क्या मतलब है? कि रुक जाओ, क्योंकि देखो लाल रंग खतरे का निशान होता है, इसलिए इसका मतलब है कि रुक जाओ। इस रंग की बत्ती का उपयोग यातायात की बत्तियों में भी किया जाता है। गोला दिख रहा है लाल रंग का, इसमें एक चिन्ह बना हुआ है, तीर का निशान। इसमें लाल रंग से इसको काट दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है प्रवेश निषेध, यानी यहां से अंदर जाना मना है। जहां भी आप ये देखिए, आप समझ जाइएगा कि यहां से अंदर जाना मना है। इन दोनों में एक एक तीर लाल रंग से कटा हुआ है और एक कटा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि कटे हुए तीर की तरफ कोई नहीं जा सकता, यानी कि एकल दिशा या वन वे मार्ग चिन्ह है। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम दुर्घटना से, बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। इसमें आपको 20 दिख रहा है। इसकी गति की अधिकतम सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे अधिक गति की यहाँ आज्ञा नहीं है। ये उस स्थान विशेष पर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे अगर खुला हुआ कहीं स्थान है या हाईवे है, तो वहां पे तो हम गाड़ी 30, 35, 40 या 50 तक के भी हम चला सकते हैं। वहां पे खुला स्थान है तो हम गाड़ी तेज चला सकते हैं। और जहाँ पे स्कूल है, अस्पताल है या ऐसी कोई संस्था है, तो वहां पे तो हम गाड़ी तेज नहीं चला सकते हैं। तो जहां पे हम लिखा अगर देख ले तो हम समझ जाए कि यहाँ पे गाड़ी को हमें अपने गति कम करना है। ये तीर हमें बता रहे हैं कि आगे मोड़ की दिशा क्या है। पहला चित्र बता रहा है कि मोड़ की दिशा दाएं है और दूसरा बाएं है। ये जो त्रिकोण दिख रहा है, इसमें क्रॉस या गुणा का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि आगे चौराहा या क्रॉस रोड है। हम फौरन सावधान हो जाएं। अगर हम जहां भी इस चिन्ह को देखें, फौरन सावधान हो जाएं कि आगे चौराहा है या क्रॉस रोड है। ये बताइए आप, आपने कभी ये देखा? ये तो जरूर देखा होगा। ये देखा है। ये देखा है। देखा है? इस त्रिकोण के चिन्ह का संदेश है कि आगे गति अवरोधक या स्पीड ब्रेकर है। जहां भी आप ये देखिए और समझ जाइएगा कि यहाँ पे गाड़ी को हमें नियंत्रित करना है। हम यहाँ पे गाड़ी तेज नहीं चला सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? गति अवरोधक या स्पीड ब्रेकर। ये चिन्ह बहुत आवश्यक चिन्ह है। इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पैदल व्यक्ति हो या गाड़ी में सवार व्यक्ति। ये चिन्ह हमें दर्शाता है कि ये अनारक्षित अर्थात बिना गार्ड के रेलवे क्रॉसिंग है। इसको भलीभांति दाएं बाएं देखकर ही पार करना चाहिए। हमारे देश में सैकड़ों लोग इस चिन्ह का अनदेखा करके प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जहां पे हम ये देखें, फौरन हम सावधान हो जाएं कि यहाँ पे गार्ड रहित है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे, जहाँ पे स्टेशन पे ही लगा है, तो आप इस चिन्ह को देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी लगी है। लगी? क्या समझ में आएगा? एक गार्ड की ड्यूटी लगी है। एक गार्ड की ड्यूटी लगी हुई है। जीवन रक्षक चिन्हों के अंतर्गत ये दूसरा चिन्ह हमें दर्शा रहा है कि ये रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित या गार्ड युक्त रेलवे क्रॉसिंग है। इसमें एक गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। जहाँ पे आप ये देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी लगी हुई है। हमने आपको यातायात नियमों के बारे में बताया जी। उन पे पालन करेंगे आप? जी करेंगे। और उसी तरह से हमने जीवन रक्षक चिन्ह के बारे में आपको बताया। जहाँ भी ये चिन्ह आप देखेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि हम उन नियमों का पालन करें।
ये समझ में बात आई आपके? जी जी। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। इनसे काफी हद तक के दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। जिस तरह से आलोक की चोट आई, अगर वो नियमों का पालन करता तो चोट उसके ना आती। ये तो आप समझ रहे होंगे ना? जी।